इक्तिसादी राबता कमेटी ने पे एंड पेंशन कमीशन की सिफारिशात पर पेंशन स्कीम में तरामीम की मंजूरी दे दी है। एसीसी ने मुख्तलिफ वजारतों के लिए सप्लीमेंट्री ग्रांट्स की भी मंजूरी दी है। इसे बात करेंगे डॉन न्यूज के चीफ रिपोर्टर सना उल्ला खान हमारे साथ मौजूद हैं। सना उल्ला खान, मजीद तफसीलात से आप आगाह कीजिएगा। देखिए, एसीसी का आज इजलास हुआ है और एसीसी ने बड़े फैसले किए हैं। जो पेंशन स्कीम है उसमें अमेंडमेंट्स की गई हैं, जिसके तहत जो नए मुलाजमीन आएंगे 1 जुलाई के बाद, चाहे वो सिविल होंगे चाहे डिफेंस के होंगे, उनके लिए कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम जो है वो लागू की जाएगी। और इसके साथ जो मौजूदा पेंशन जो हासिल कर रहे हैं, जो पुराने पेंशनर हैं, उनके लिए एक पेंशन फंड कायम किया जाएगा। और इसका बुनियादी मकसद है कि पेंशन का जो बोझ बढ़ता जा रहा है उसको कम करना है, और इसके लिए रूल्स रेगुलेशन जो है फेडरल गवर्नमेंट बनाएगी। पेंशन के जो बुनियादी स्कीम थी जो उसमें अब अमेंडमेंट कर दी गई है, अब इसकी कैबिनेट से मंजूरी होगी, जिसके बाद इसके नए रूल्स बनाए जाएंगे। और इसका इतलाक रिकमेंडेशन ये दी गई है कि जो 1 जुलाई 2024 से इसका इतलाक किया जाए। जी, बहुत शुक्रिया सना उल्ला खान आपका।